फॉर्मूला ये काम दिला ज्ञान मोक्ष माँ मंगला गौरी की पावन धरती पर गया धाम में विगत 54 वर्षों से आदर्श लीला समिति का कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। मर्यादा भगवान राम के और उनके द्वारा जो राम मानस का वर्णन किया गया है उसका लगातार आज से लेकर 25 तारीख तक विभिन्न कलाकारों के माध्यम से मैं इससे प्रयागराज से भी साइंस आर्ट से भी कलाकार बड़ी संख्या में आए अच्छी प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। करते हैं हम समिति को बधाई देते हैं कि विगत के वर्षों में जिन लोगों के सहयोग से प्रयास और आजाद पार्क में रामलीला का भी होता रहा है इससे पूरे देश को जोड़ने का काम किए हैं और देशवासियों का 500 वर्षों से इंतजार था अयोध्या भगवान राम का मंदिर बने उच्चतम न्यायालय का फैसला है। माननीय न्यायालय के फैसले के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पहल पर देशवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देशवासियों को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार के लोग देश के लोग दर्शन करने का रामलीला का मौका मिलेगा और आज जो रामलीला का शुभारम्भ हुआ है और अच्छा प्रयास समिति का नंबर वन रहेगा गया का रामलीला। मैं दिल्ली में था वहाँ भी रामलीला होता है मैं देख रहा हूँ। गया में तो स्थानीय कलाकार अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके बेहतर काम कर रहे थे। इस वर्ष मैं देख रहा हूँ प्रयागराज से साई आर्ट के कलाकार बड़ी संख्या में आए और अच्छी प्रस्तुति तो प्रारंभ में ही दो प्रस्तुति बहुत अच्छा उन्होंने दिया है आसान करते हैं। इस बार का जो रामलीला गया का है और गया का दशहरा है बिहार में नंबर वन होगा ऐसा हमारा विश्वास है। इस मौके पर हम समस्त बिहारवासियों को देशवासियों को और गया के भाई और बहनों को शुभकामना बधाई से धन्यवाद करना चाहता हूँ।